मुखर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर केंद्र में सरकार बनती है तो सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम को रद्द कर देंगी और इसके साथ ही एनआरसी पर भी उन्होंने रोक लगाने की बात कही। तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू नहीं करने का वादा किया है। टीएमसी ने लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने से 2 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बता दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी में मतदान होगा। टीएमसी का मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए ही जो है पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी ने देश की जनता से 10 वादे किए हैं। हमारा स्टैंड है कि बंगाल में सीएए लागू नहीं किया जाएगा, एनआरसी और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी भी लागू नहीं होने देंगे। इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में केंद्र में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने पर वादे पूरे किए जाएंगे। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की केंद्र में सरकार बनने पर ममता दीदी के समर्थन से मनरेगा के तहत मनोदय 400 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा और सभी के लिए पक्के आवास बनाए जाएंगे। टीएमसी के घोषणा पत्र के मुताबिक केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर सभी बीपीएल परिवारों को 1 साल में 10 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। दुबारे राशन स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे और प्रत्येक राशन कार्ड धारक को उनके निवास स्थान पर 5 किलो मुफ्त राशन पहुंचाया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही लक्ष्मी भंडार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे जिसके तहत महिलाओं को एक निर्धारित मासिक राशि दी जाएगी। सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देंगे। 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप यानी किसी क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। उस शिक्षा के प्रदान करने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल ममता बनर्जी के इन वादों को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।